खोदने के बाद फिल्टर फैब्रिक रखा जाएगा, उसमें पाइप स्थापित किया जाएगा और ट्रंच पर दिखाए गए डायमेंशन और विवरणों के अनुसार उसके पारगम मटेरियल के साथ जो भी उसमें परमिएबल मटेरियल के साथ खाई को बैकफिल किया जाएगा और रखने से पहले फिल्टर के फैब्रिक प्राप्त करने के लिए सतह लूज या बाहरी मटेरियल को और तेज वस्तुओं से मुक्त होना चाहिए। जो स्थापना के दौरान फिल्टर कपड़े को मतलब जो भी उसमें फैब्रिक क्लॉथ होगा फैब्रिक फिल्टर फैब्रिक होगा तो उस फिल्टर कपड़े को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे कपड़े के जो भी मतलब जो फैब्रिक होगा उसके आसान रोल को कम से कम करने के लिए उसको ओवरलैप को कम से कम करने के लिए 450 mm तक उसमें ओवरलैप किया जाना चाहिए और जो पूर्ववर्ती रोल निम्नलिखित रोल को उस दिशा में ओवरलैप करेगा जिस दिशा में मटेरियल फैलाई जा रही है तो उस दिशा में उसको ओवरलैप किया जाएगा, प्रोसीडिंग रोल किया जाएगा। तो वो बताया गया है इसमें और कहा गया है कि डैमेज टू द फैब्रिक रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स व्हीकल्स इक्विपमेंट ऑपरेशन शैल बी रिप्लेस्ड आर रिपेयर्ड बाई द कॉन्ट्रैक्टर एट हिज कॉस्ट। तो कहा गया है कि ठेकेदार के वाहन उपकरण या संचालन के परिणाम स्वरूप जो फैब्रिक को होने वाली क्षति को ठेकेदार द्वारा उसकी लागत पर बदला या मरम्मत किया जाएगा। फैब्रिक एक कपड़ा टाइप में होता है तो उसके बारे में बताया गया जो उसमें बिछाया जाता है ताकि उसमें कोई भी डैमेज ना हो और इस प्रकार से उसमें बैकफिलिंग में फैब्रिक बिछा कर और उसके ऊपर से मटेरियल डाला जाता है तो उसके बारे में बताया गया दोस्तों। इसके बाद इसमें आप क्लॉज 309.3.6 में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ड्रेन आउटलेट के बारे में बताया गया है कि जो नाली आउटलेट बनाई जाती है तो उसके बारे में कहा गया है कि द आउटलेट फॉर इज सब सरफेस ड्रेन शैल नॉट बी अंडर वाटर आर प्लग्ड विद डेब्रिस बट शुड बी ए फ्री आउटलेट डिस्चार्जिंग इनटू ए स्ट्रीम कलवर्ट आर ओपन डिच द बॉटम ऑफ द पाइप शैल बी केप्ट अबव द हाई वाटर लेवल इन द डिच एंड द एंड प्रोटेक्टेड विथ ए ग्रेट और ए स्क्रीन फॉर ए लेंथ ऑफ 500 mm फ्रॉम द आउटलेट एंड द ट्रेंच ऑफ पाइप शैल नॉट बी प्रोवाइडेड विथ ड्रेनेबल मटेरियल बट बैक फिलिंग फिल्ड विथ एक्सकवेटेड सॉइल एंड थ्रूली कंपैक्टेड सो एज टू स्टॉप वाटर डायरेक्टली परकुलेटिंग फ्रॉम द बैक फिल मटेरियल अराउंड द पाइप इन दिस सेक्शन शैल नॉट हैव एनी परफोरेशंस। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो उपसतह नाली के लिए आउटलेट पानी के नीचे नहीं होना चाहिए या मलबे से भरा नहीं होना चाहिए तो लेकिन एक मुक्त आउटलेट जो फ्री आउटलेट होना चाहिए जो एक धारा और पुलिया या खुली खाई में निकल जाए तो इस प्रकार से उसमें बनाया जाना चाहिए कि जो भी उसका मलबा है वो एक खुली पुलिया या खाई में जाकर निकल जाए। पाइप के नीचे खाई में उच्च जल स्तर से ऊपर रखा जाना चाहिए और अंत में एक जाली या स्क्रीन के साथ संरचित किया जाना चाहिए ताकि उसमें कोई भी डिलीटेरियस मटेरियल ना जाए और आउटलेट के अंत से 500 mm तक की लंबाई के लिए पाइप के लिए खाई को दानेदार मतलब ग्रेनुलर मटेरियल के साथ उसे प्रदान किया जाना चाहिए लेकिन खुदाई की गई मिट्टी के साथ बैकफिल्ड किया जाना चाहिए और पूरी तरह से उसे कॉम्पैक्ट किया जाना चाहिए ताकि पाइप के चारों ओर बैकफिल मटेरियल से पानी को सीधे रिसने से रोका जा सके और इस क्लॉच के पाइप में कोई छिद्र नहीं होना चाहिए। ये भी देखना कि इस खंड जो भी इसका पाइप है उस खंड के पाइप में कोई भी छिद्र नहीं होना चाहिए जिसके कारण परेशानी हो तो ये भी देखना है हमको। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया क्लॉज 309.3.7 में एग्रीगेट ड्रेन्स के बारे में कि एग्रीगेट ड्रेन्स जो रहता है तो उसमें एग्रीगेट ड्रेन्स क्या कहलाता है तो उसके बारे में कहा गया है दोस्तों कि एग्रीगेट ड्रेन्स शैल बी प्लेस्ड बिटवीन द वर्ज शोल्डर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पेमेंट डेप्थ थिकनेस एंड स्पेसिंग ऑफ एग्रीगेट ड्रेन्स शैल बी एज शोन ऑन द ड्राइंग्स कि फुटपाथ के पूरा होने के बाद कुल नालियों के कगार में मतलब किनारों में कंधों के किनारों में भीतर रखा जाएगा और कुल नालियों की गहराई मतलब जो भी एग्रीगेट ड्रेन्स होती हैं उनकी गहराई मोटाई और वो सब कुछ दूरी उसकी दर्शाए गए ड्राइंग्स में जो भी ड्राइंग्स में दिया गया उसके अनुसार किया जाएगा या होगा बनाया जाएगा उसको
और ट्रेंचेज फॉर एग्रीगेट ड्रेन्स शैल बी एक्सकेवेटेड टू ए मिनिमम डेप्थ ऑफ 300 mm एंड टू दी डेप्थ शोन ऑन द ड्राइंग्स और ऑर्डर्ड बाय द इंजीनियर. द बॉटम ऑफ द ट्रेंच शैल बी स्लोप टू ड्रेन एंड शैल बी फ्री फ्रॉम लूज पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. द ट्रेंच शैल बी एक्सकेवेटेड सो एज टू एक्सपोज क्लियरली द ग्रेनुलर पेमेंट कोर्सेज टू बी द ड्रेन. तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो भी एग्रीगेट नालियों के लिए खाइयों की खुदाई कम से कम 300 mm की चौड़ाई और ड्राइंग पर दर्शाई गई गहराई तक की जाएगी और इंजीनियर द्वारा ये आदेशित किया जाएगा. जो भी आदेशित किया जाएगा इंजीनियर द्वारा उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा और खाई के तल को वो नाली में ढाला जाना चाहिए और मिट्टी के टीले कणों से मुक्त होना चाहिए. खाई की खुदाई इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे कि निकासी के लिए उसमें ग्रेनुलर फुटपाथ जो पेमेंट के मार्ग में स्पष्ट रूप से दिखाई दे. और इसके बाद इसमें यह भी कहा गया है कि जो एग्रीगेट फॉर द ड्रेन सेल बी ड्यूरेबल ग्रेबल स्टोन्स एंड स्लज एंड सेल बी फ्री फ्रॉम वेजिटेबल मैटर एंड अदर डिलेटेरियस सब्सटेंस. द ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स आर गिवन इन टेबल 304. ग्रेडिंग टू बी अडॉप्टेड सेल बी इंडिकेट इन द ड्राइंग्स. कहा गया दोस्तों कि जो नालियों के लिए एक समुच्चय टिकाऊ बजड़ी पत्थर या लावा होगा जो वनस्पति पदार्थ और अन्य हानिकारक पदार्थों से मुक्त होगा और ग्रेडिंग की आवश्यकता अनुसार जो भी टेबल 304 में दी गई है उसी के अनुसार उसको किया जाएगा. अपनाई जाने वाली ग्रेडिंग को ड्राइंग में दर्शाया जाएगा. जो टेबल 300-4 में दिया गया है उसी टेबल से ग्रेडिंग ली जाएगी उसकी और उसी ग्रेडिंग के हिसाब से वर्क किया जाएगा एग्रीगेट ड्रेन्स में. तो उसके बारे में बताया गया दोस्तों. इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो भी ड्रेन आउटलेट बनाए जाएंगे और एग्रीगेट ड्रेन्स बनाए जाएंगे वो किस तरह से काम करेगा और किस तरह से बनाया जाएगा तो उसके बारे में बताया गया दोस्तों. तो इसमें समझ में आया होगा आपको कि जो आउटलेट हम रखेंगे तो वो भी बताया गया कि आउटलेट के लिए अंत से 500 mm की लंबाई के लिए पाइप के लिए खाई को मतलब ग्रेनुलर सामग्री के साथ जुड़ा जाना चाहिए ताकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो. और इसे सतह नाली के लिए आउटलेट पानी के नीचे नहीं होना चाहिए, मलबे से भरा नहीं होना चाहिए. उसमें मलबा जो भी रहेगा उसको हटा दिया जाएगा, उसके बाद ही ड्रेन्स का निर्माण किया जाएगा ताकि कोई उसमें प्रॉब्लम्स ना हो. तो ये चीज़ भी ध्यान देना दोस्तों. तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स जो है सेक्शन 300 में आपको मिल जाएगी. और भी हम इसके बारे में आगे आपको बताएंगे कि ये क्या जो भी सरफेस सब सरफेस ड्रेन्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं और इसमें जो भी डिटेल्स हैं वो हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे. थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.